बच्चों, जैसे आप लोगों को जो है कि इस मापन वाले लेसन में हमने आपको बताया कि मात्रक और मापन में कि आपको पीछे के जितने वीडियो गए हैं उनमें आपको जो है ज्ञात ही होगा कि हमने मूल मात्रक, मूल राशियां और मूल मात्रकों की परिभाषा, दो व्युत्पन्न भौतिक राशियां, पूरक राशियां और उनके मात्रकों की परिभाषा आपको पिछले वीडियो में जो है बता दी गई है। अब मैं आपको बताऊं कि सात मूल भौतिक राशियों में बच्चों अगर देखा जाए तो तीन मूल भौतिक राशियां जो है हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाली हैं, इनको महत्वपूर्ण भी माना जाता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और क्या है, समय। तो लंबाई के लिए अगर हम देखें तो लंबाई का जो हमारा मात्रक है बच्चों वह मीटर है, लेकिन दैनिक जीवन में हमें कहीं कहीं पे बहुत छोटी दूरियों का भी मापन करना पड़ता है, वहाँ पे मीटर पैमाना या हमारा जो टेप है जिससे हम मापते हैं वह जो है कि असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। अब जैसे किसी गोले का व्यास अगर आपको मापना हो तो गोले का व्यास मापने के लिए आप उस पर जो है कि मीटर पैमाने को, फीते को लेके जो है लपेटेंगे तो उससे पता नहीं चलेगा कि उसका व्यास कितना है, उसका रेडियस कितना है, यह हमें नहीं मालूम हो पाएगा। इसके लिए हम जो है एक अलग इंस्ट्रूमेंट उपकरण का प्रयोग करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का। यदि आपको किसी तार की मोटाई ज्ञात करनी है तो तार की मोटाई जो है कि आप मीटर पैमाने से या वर्नियर कैलिपर से आप नहीं पता कर सकते हैं, तार की मोटाई या तार का व्यास हमें मापने के लिए जो है गोलाई मापी अर्थात जिसे पेच मापी भी कहा जाता है, अंग्रेजी में कहते स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है। इसीलिए बच्चों दैनिक जीवन में जो है कि लंबाई के जो है बड़े मात्रकों का भी प्रयोग होता है और क्या है छोटे मात्रकों का भी प्रयोग होता है, जिनको मीटर की सहायता से ही बनाया गया है। तो बड़े मात्रक भी हैं और क्या है छोटे मात्रक हैं। अब इनको बताना क्यों आवश्यक है, एक तरह से जैसे आप प्राइमरी में आप जो छोटे से मेंटल वाली किताब आती थी उसमें आपको जो है कि पैमाना पढ़ाया जाता था कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 क्या है ग्राम, 1 किलोमीटर बराबर जो है 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो चलिए ये तो प्राइमरी लेवल की बात हो गई, लेकिन जब आप यहाँ पे जानने के लिए चाहे प्राइमरी से जाने चाहे आप सीनियर क्लासों से समझें, आप जब भौतिक विज्ञान के आंकिक प्रश्नों को हल करने जाएंगे तो उनको अगर जो है कि अगर किसी भी रूप में किसी भी यूनिट में अगर वो लिखे गए हैं छोटे मात्रक के रूप में या बड़े मात्रक के रूप में तो उनको जो है कि हमें किस में चेंज करना पड़ता है, मीटर में। तो अब रह गया सवाल कि मीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें उचित पैमाना ज्ञात होना चाहिए। इसके लिए हम जो है बोर्ड पर तीनों मात्रकों के जो है कि छोटे मात्रक और बड़े मात्रक तीनों राशियों के हम लिखे हैं और उनका मूल मात्रक तो जानते ही हैं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक क्या है सेकेंड। इसमें से बहुत सारी चीजें आप जानते ही हैं जूनियर क्लास से। देखिए हम लंबाई के छोटे मात्रक लिख रहे हैं, देखिए लंबाई के छोटा मात्रक जो है सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, फर्मी है, एंगस्ट्रॉम है और भी है। तो अब रह गया सवाल कि इनका जो है कि बराबर विनिमय आता रहता है और एक दूसरे में चेंज करने के लिए, तो आप याद रखिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है बच्चों 10 की घात कितना -2 मीटर। अर्थात आंकिक प्रश्नों को हल करते समय यदि जरूरत पड़ती ही है कि सेंटीमीटर में मेजरमेंट दे दिया है तो आंकिक प्रश्न को हल करते समय आपको मालूम है भौतिक विज्ञान में जब हम आंकिक प्रश्न को हल करते हैं तो जितनी भी राशियां रहती हैं वह एक ही पद्धति में उनके मात्रक होने चाहिए। तो हम प्रायः जो है SI पद्धति में जो है कि सबको परिवर्तित करके ही आंकिक प्रश्न का सवाल हल करते हैं, जिससे कि भौतिक विज्ञान में आप जानते हो कि मात्रक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप मात्रक नहीं लिखते हो उचित और मान लीजिए एक जो है कहने का मतलब है कि चीज अलग पद्धति CGS में हो और एक जो है भौतिक राशि MKS में हो तो की गई गणना का आंकिक मान जो है
गलत आ जाता है। इसके लिए सभी भौतिक राशियों को बच्चों एक ही पद्धति में आपको जो है परिवर्तित करना पड़ता है सभी भौतिक राशियों के मात्रक को। तो जब हम अगर सेंटीमीटर में मेजरमेंट दिया है, माप दिया है कहीं पे, तो जब ही हम उस अंक में 10 घाते माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेंटीमीटर से किसमें हो जाएगा, मीटर में, गुणा कर देंगे तो। अर्थात आप याद रखिए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि एक सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 घात माइनस 2 मीटर। इसी तरह से बच्चों एक मिलीमीटर बराबर 10 घाते माइनस 3 मीटर। अब यहाँ देखिए जो संकेत है यह बनाए, ये संकेत जो है म्यू पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, म्यू, यह ग्रीक संकेत है। और यहाँ पे जो है इसको माइक्रोन समझेंगे, क्या पढ़ेंगे, माइक्रोन। तो एक माइक्रोमीटर बराबर होता है कि एक माइक्रोमीटर ऐसे भी लिखा, और 10 घात माइनस कितना होता है, 6 मीटर, ये लंबाई का और भी छोटा मात्रक है। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 घात माइनस 9 मीटर, सांकेतिक रूप से ऐसे लिखते हैं या नहीं, हम तो यन को क्या पढ़ोगे, नैनो, और यन को क्या पढ़ोगे बच्चों, मीटर। एक पिकोमीटर बराबर जो है 10 घात माइनस क्या होता है, 12 मीटर। और एक फर्मी बराबर होता है 10 घाते माइनस कितना, 15 मीटर। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते माइनस 10 मीटर। यह लंबाई के छोटे मात्रक हैं। देखिए 12 तक आप आगे की कक्षाओं में पढ़ने जाएंगे तो वहां आपको कोई पैमाना नहीं पढ़ाएगा कि एक दूसरे का विनिमय कैसे करना है, लेकिन यह चीजें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। इसके लिए हमने एक बार आपको जो है यह आपके ज्ञान को फिर से जो है रिवाइज करने का जो है कि प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे याद रखेंगे। अब आइए देखिए लंबाई के जो है कि बड़े मात्रक, जैसे नक्षत्रों की, ग्रहों की दूरियां नापनी है पृथ्वी से, सूर्य की दूरी नापनी है, मंगल ग्रह की दूरी मापनी है, चंद्रमा की दूरी मापनी है, तो लंबाई के हम बड़े मात्रकों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थात एक खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक से भी कर सकते हैं, प्रकाश वर्ष से भी किया जाता है, और किससे, पारसेक से। देखो एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है कि 1.496 × 10 कितना होता है बच्चों, 11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष यल वाई, यल माने लाइट, वाई माने क्या है, ईयर, वन लाइट ईयर, अर्थात लाइट ईयर क्या है, मतलब एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, एक वर्ष में निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा जो है तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश की चाल तो आपको मालूम है, 3×10 क्या होती है, 8 मीटर प्रति सेकेंड, और एक वर्ष में कितने जो है कि सेकेंड होते हैं, तो अगर हमें ये मालूम हो जाए तो चाल बराबर दूरी बटा क्या है, समय, या दूरी बराबर चाल गुणे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। उस फार्मूले से अगर देखें, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461×10 कितना, 15 मीटर। और इससे भी बड़ा मात्रक है पारसेक, 1 पारसेक बराबर होता है 3.08×10 कितना होता है, 16 मीटर। तो बच्चों ये लंबाई के कुछ छोटे मात्रक और कुछ क्या रहे, बड़े मात्रक, इन्हें आप जरूर से जो है याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ द्रव्यमान के छोटे मात्रक। तो द्रव्यमान के छोटे मात्रक, 1 हेक्टोग्राम बराबर होता है 10^-1 किलोग्राम, 1 डेकाग्राम बराबर होता है 10^-कितना, 2 किलोग्राम। आप लोग सोचोगे कि कक्षा 5 की चीज पैमाने के रूप में क्यों पढ़ाई जा रही है, इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि आप लोग जो है तमाम गलतियां करते हैं, इसे हल्के में ले लेते हैं। अगर इस तरह के सवाल जब आते हैं तो आपको हम फार्मूला समझा सकते हैं। अब वहां पे मात्रक यूनिट चेंज अगर हो रहा है तो आपको खुद जो है याद रहना चाहिए। तो 1 डेकाग्राम बराबर 10^-क्या है, 2 किलोग्राम। और बच्चों 1 ग्राम बराबर कितना होता है जानते हैं आप, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 10^ कितना है, 3 किलोग्राम। 1 डेसीग्राम बराबर 10^-4 किलोग्राम, 1 सेंटीग्राम बराबर 10^-5 किलोग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर बच्चों 10^-6 कितना, 6 किलोग्राम, और 1 माइक्रोग्राम बराबर 10^-9 किलोग्राम। अब मैं आपको बताऊं कि 1 नैनोग्राम बराबर 10^-9 क्या है, 12 किलोग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर 10^-9 कितना, 15
किलोग्राम रहना चाहिए, यहाँ पे मीटर लिख दिया गया। अच्छा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, किलोग्राम, तो किलोग्राम होता है या द्रव्यमान भी क्या है कि छोटे मात्रक है। बड़े मात्रकों का भी प्रयोग करते हैं। क्विंटल शब्द का आप नाम सुना होगा कि आप लोग जो है खुदे मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, गेहूं या चावल कितने क्विंटल हुआ ये पता किया जाता है। तो क्विंटल हमारा छोटा मात्रक नहीं बल्कि बड़ा मात्रक है। एक क्विंटल बराबर होता है 10^2 किलोग्राम, माने 100 किलोग्राम के बराबर होता है। एक मीट्रिक टन बराबर 10^10 क्या होता है 3 किलोग्राम, अर्थात 1000 किलोग्राम को एक मीट्रिक टन कहा जाता है, या मेगाग्राम भी कह दिया जाता है 10^3 किलोग्राम। एक गीगाग्राम बराबर होता है 10^10 क्या है 6 किलोग्राम। एक टेराग्राम बराबर होता है 10^10 कितना 9 किलोग्राम। और एक जो है कि बहुत जो है कहने का मतलब कि और महत्वपूर्ण मात्रा के स्लग, एक स्लग बराबर होता है 14.57 किलोग्राम के बराबर होता है। यह बच्चों द्रव्यमान के छोटे और ये क्या है बड़ा मात्रक है। इसे एक बार अपने मेमोरी में सेव कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि बीच में आंकिक प्रश्न जब लगाना हो या पूरा इंटरमीडिएट फाइनल यहाँ जितना भी पढ़ना है कहीं भी यूनिट चेंज आए तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि हम इतना बराबर इतना का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परिवर्तित हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ समय के जो छोटे मात्रक, एक मिली सेकेंड बराबर होता है 10^10 माइनस कितना 3 सेकेंड। एक माइक्रो सेकेंड बराबर होता है बच्चों 10^10 माइनस कितना 6 सेकेंड। और एक नया मात्र के सेक, एक सेक बराबर 10^10 माइनस कितना होता है 8 सेकेंड। एक नैनो सेकेंड बराबर 10^10 माइनस 9 सेकेंड। एक पीको सेकेंड बराबर 10^10 माइनस क्या है 12 सेकेंड। समय के बड़े मात्रक आप जानते हैं, एक मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड। एक घंटे में कितना होगा 3600 सेकेंड। एक दिन में कितना होगा 86,400 सेकेंड, गुणा करके भी निकाला जा सकता है। और एक वर्ष में कितने जो है सेकेंड होते हैं 3.15 × 10^10 कितना 7 सेकेंड। तो यह हमारे जो है समय के मात्रक है। समय के मात्रक में 10 साल को दशक कहा जाता है, ठीक है, 50 साल है तो अर्धशतक कहा जाता है, और 100 साल हो जाता है तो जो है शताब्दी उसे कह दिया जाता है। ये समय के क्या है बड़े बड़े मात्रक हैं। तो छोटे मात्रक और बड़े मात्रकों को जो है कि आप जो है कि दिमाग में रखिए, फिर जो है कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके मापन के बारे में बताऊँ।